छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद राजधानी रायपुर के 20वें कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे 3 दिन पहले उन्होंने रायपुर में अपनी पदभार ग्रहण किया है। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने कुछ मुद्दों को लेकर कलेक्टर से खास बातचीत की, आइए सुनवाते हैं। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने आज रायपुर में ज्वाइन किया है। कर्मचारियों के बीच जो है समन्वय ठीक नहीं है, इसको कैसे आप ठीक करेंगे? जिला कलेक्टर का इंस्टीट्यूट एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है और इसका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समन्वय का होता है। अगर समन्वय के कोई ऐसा इश्यू है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें बैठक लेके इसको सुधारा जा सकता है। हमेशा एक चैनल होना चाहिए जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, तो अगर ऐसा चैनल उपलब्ध हो तो डेफिनेटली हम लोग बेहतर समन्वय कर पाएंगे। भू राजस्व के प्रकरण बहुत लंबित है, इसको निपटारा करने के लिए क्या कार्रवाई होगी, क्या कदम होंगे आपके? सभी भू राजस्व प्रकरणों के लिए एक निर्धारित समय सीमा रहती है। हमने ये कोशिश हम ये रखेंगे कि जो सभी हमारे तहसीलदार है, सभी SDM है, उनका जो न्यायालय है वो निरंतर रूप से हो, और अगर जहां पे पेंडेंसी है तो उनको इंडिपेंडेंट केस वाइज स्टडी भी किया जाएगा। आपकी अब नया कलेक्टर है रायपुर के, आप क्या कदम उठाएंगे? डेफिनेटली हम लोग यूथ और यूथ एक्टिविटी प्रमोशन के लिए रेगुलर रूप से काम करते रहेंगे। इसके पहले भी हमारे इसके पूर्व जिलों में भी हम लोगों ने यूथ के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के गाइडेंस के माध्यम उपलब्ध कराए थे। तो ये थे रायपुर के नव पदस्थ डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, नए कलेक्टर हैं। हमने इनसे कई मुद्दे को लेकर चर्चा की। कैमरामैन के साथ में चित्र टाइम की न्यूज रायपुर।